हाँ तो भैया साथे तो तुम लोग पहले ही सही हो, पहले ही से यह वीडियो देख ली होगी कि भैया आखिर हुआ क्या हिंडनबर्ग और अदानी के बीच। खैर मेरी भी गलती है भैया, थोड़ा सा लेट हो गया। आज जानेंगे उनके अंदर रिपोर्ट्स के बारे में। भैया ऐसी क्या रिपोर्ट थी कि भैया अदानी अभी तक चुप है, कुछ जवाब नहीं सही से दे पा रहे हैं। देखो भैया हिंडनबर्ग बताया जाए तो भैया 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसको भैया जो एस्टेब्लिश किया था उसका नाम था नथन नेट एंडरसन, हाँ यही वाले भैया, जो कि एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है। अब आप पूछोगे इनका काम क्या है भैया। देखो भैया जो हिंडनबर्ग नाम पड़ा है ना, वो ऐसा पड़ा है कि एक बहुत पुराना एयरशिप जा रहा था जो कि आगे जाके क्रैश हो गया था, जिसको एक तरह से डिजास्टर की तरह दिखाया गया था। तो ठीक उसी से इंस्पायर हो के भैया अगर स्टॉक मार्केट या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जिसमें स्टॉक्स वॉक्स लगते हैं, अगर उसमें कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा बंदा जो कि आगे जाकर उस स्टॉक पर डिजास्टर की तरह उपयोग साबित होगा, ये लोग उसके बारे में पूरा रिसर्च करते हैं और जानते हैं कि भैया ये आखिर ये ब्लैक धंधा कैसे कर रहा। उसके बाद एक अपनी एक रिपोर्ट निकालते हैं और उसमें आप बताते हैं कि भैया इन सारे सवालों के जवाब दो, तब मैं मानूंगा कि भैया तुम अपना जो स्टॉक मार्केट का खेल खेल रहे हो वो सही है। लेकिन बात यह है कि 2017 से लेकर अभी तक ये लोग 16 कंपनीज पर ऐसे एलिगेशंस और ऐसे केसेस लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन 16 कंपनीज में से इनको हमेशा प्रॉफिट दिखा है। मतलब ये कभी भी इतनी जल्दी हारे नहीं है, इसीलिए हिंडनबर्ग इतना कॉन्फिडेंट भी है खुद पर कि भैया जाओ जाके केस कर दो, चाहे जो कर दो, लेकिन मैंने जो रिपोर्ट बनाई है वो सही है। और इन्होंने भैया अदानी के खिलाफ 106 पन्नों की भैया रिपोर्ट निकाली है, जिसके अंदर 88 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसका वो जवाब मांग रही, जिसके अंदर यह बताया गया है कि भैया अदानी साहब स्टॉक मार्केट, जिसमें यह एलिगेशन लगाया गया कि भैया वो स्टॉक मार्केट में भैया काला धंधा करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई और अलग अलग फ्रॉड करने के नए नए तरीके। उन्होंने यह बताया कि भैया अदानी नहीं, अदानी के जितने भी भाई बहन ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ जितने भी थे, उनमें से भी उनका नाम आया है भैया उनके पेजेस में कि उनके छोटे भाई का टैक्स में आगे जाके कुछ है, वहीं बड़े भाई का मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहीं फंसा और ब्रदर इन लॉ तो अलग ही गुण खा रहे हैं। भैया ये लोग हिंडनबर्ग इतना चालाकी से काम कर रहे हैं, इस चालाकी को एक तरह से नाम दे दिया जाए शॉर्ट सेलिंग। हाँ, अब इसमें ये होता है कि मानो आप अगर कोई स्टॉक मार्केट पैसा लगाते हैं, आप कैसे करते हैं, एक फिक्स्ड प्राइस पे अनुमान लगाते हैं, अगर वो वहां तक रीच हो जाता है तो भैया उसका कुछ प्रॉफिट मिल के आपको मिल जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपना रिपोर्ट निकाल के उसको ऐसा दलील कर देते हैं और यह अनुमान लगाते हैं कि आप देखो भैया इस कंपनी को इतना घाटा होगा और जितना घाटा होगा उस पे ये लोग पैसा लगाते हैं और वहां से पैसा कमाते हैं। अदानी साहब का भैया अभी उतना जल्दी किसी पे आंसर नहीं आया है, बस अभी तो मेरे ख्याल से अब यही तक सुनने को मिला है कि हिंडनबर्ग भैया इंडिया को बर्बाद करना चाह रहे हैं। भगवान करे ऐसा ना हो कि भैया अदानी का केस ऐसा हो, वरना इंडिया पूरा बदनामी झेलेगा।